हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ IPS क्लर्क प्रीलिम्स का जो लाइव मॉक टेस्ट था, ठीक है, जिसकी अपडेट मैंने आपको मॉर्निंग में दी थी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो उसका स्कोर कार्ड है इसमें, एंड इसकी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग भी की थी, बट पता नहीं कैसे उसका वीडियो जो है वो है 1 आवर का, बट उसमें कोई भी सेक्शन नहीं अटेम्प्ट दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो गई, क्या हुआ, बट वो वीडियो सही नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से मैं उसको कर भी नहीं पाई अपलोड, ठीक है। उसमें मैंने चीज़ों को बताया था, ऐसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जो 2 मॉक टेस्ट मैंने रिकॉर्ड किए थे कि साइलेंट मूवी चल रही, जैसे कि इसमें कोई वॉइस नहीं था। तो उसमें मैंने कोशिश की थी करने की, बट वो हुआ ही नहीं, ठीक है, बेकार हो गया वो वीडियो। सो स्कोर देख लेते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 92, बट स्कोर जो रहा है वो 85.75 रहा है, बिकॉज 5 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो गए हैं। इंग्लिश सेक्शन मैंने किए थे 30 क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो स्कोर रहा 26.25। कॉन्ट सेक्शन मैंने किए थे 28 क्वेश्चन, जिसमें से स्कोर रहा है 25.50, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। एंड रीजनिंग सेक्शन मैंने किए थे 35, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया ना कि रिकॉर्डिंग चली थी उसमें, तो मैंने टिक किया, बट मैं सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गई। उतनी देर में टेस्ट हमारा सबमिट हो चुका था, इस वजह से वो 34 अटेम्प्ट है, एक अनअटेम्प्टेड रह गया। सो स्कोर जो रहा 85.75 एंड परसेंटाइल 99, ये 715 के आसपास 98 पॉइंट समथिंग था, अभी ये इंक्रीज हुआ है। तो बस इतना ही था, बाकी इंग्लिश सेक्शन में अगर ये रॉन्ग नहीं होते तो सही रहता, बिकॉज इंग्लिश सेक्शन आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा तो देखा होगा कि इंग्लिश सेक्शन ईजी था, बट उसके रीअरेंजमेंट जो थे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहे थे, मुझे भी लगे। काफ़ी टाइम मैंने उन क्वेश्चंस को दिया जो 4 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों का क्या रहा, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन को लेकर आपका क्या व्यू है, क्योंकि मुझे तो इजी लगी। बस यही देखिए ना, मैंने बताया था यही 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसको 129 मिनट दिया है, 129 मिनट का आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन को 2 मिनट, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें 93 सेकंड, इसमें 65 सेकंड, काफ़ी टाइम दिया, स्टिल रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस राइट हैं, ठीक है, इजी थे। जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जस्ट अ मिनट मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जैसे था ये था हमारा डी सेंटेंस था, ट्रेजरी इज नाउ अ कॉमन डिपार्टमेंट, यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल था। तो कन्फ्यूजन ये मुझे आ रही थी कि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दैट लुक्स एंड बिहेव्स इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, तो इन दोनों मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन की होने से वजह से मैं इसको टिक ही नहीं कर पाई थी, और जब मैंने किया वो भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसमें ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये था, बाकी ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी था। एक स्टोरी बेस्ड था, वुड कटर एंड एलिफेंट की स्टोरी थी, ठीक है, जो कि जिसकी हेल्प की थी वुड कटर ने, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया था। देन इसके बाद में उसके रिस्पॉन्स में एलिफेंट ने भी हेल्प किया, उसका एक बीबी था छोटा सा, तो उसको भी वहाँ पे उन लोगों ने मतलब वुड कटर की हेल्प के लिए की, ताकि जब वो आगे चल के उनकी हेल्प के लिए, बाद में अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वजह बस पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड थी, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग थे, काफ़ी इजी था ये पैसेज हमारा। उसके बाद ये भी हमारे बहुत इजी थी, फिलर्स वगैरह, ठीक है। तो ये प्राइस तो मतलब इसमें देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्राइस हमारा नाउन था, उसके पहले कोई एडजेक्टिव आना चाहिए था, तो रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है, आपने सुना भी होगा ये टर्म रीज़नेबल प्राइस। बाकी चीज़ें तो ये भी था हमारा एंटरटेनमेंट था, एंटरटेनमेंट के पहले अगर ये भी है तो पैलर अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी आना चाहिए था आपका नाउन, क्योंकि ये डिसेबल्ड है, वर्ब हो गया हमारा, ये भी प्रॉपर एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल सकते हो, प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह जैसे बोलते हैं। एक्सेसिबल भी आपका नहीं आ सकता, हिंड्रेंस वगैरह भी, तो एक यही है पॉजिटिव जो आप कह सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे आना चाहिए था ये भी। फिर यहाँ पे पोएट है, इनके क्रिस्टोफर के बारे में बात हो रही है, प्लेराइट पोएट, सॉरी पोएट, तो यहाँ पर ट्रांसलेटिंग, एक्सप्लेनिंग, ट्रांसक्राइब, अडेप्टिंग सारी वर्ब्स हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, तो यही आप यूज़ करते, तो यहाँ पे ये भी हो गया था, इजी थे सारे। फिर यहाँ पे मैनी था आपका, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था, टाउन हो गया, नेशन हो गया, म्यूनिसिपल हो गया, मेट्रो, पुलिस हो गया, ये सब आपके सिंगुलर हैं, एक ही आपको प्लूरल वहाँ पे वर्ड दिख रहा है वो सिटीज़, तो यहाँ पे आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप तुरंत इसको क्लिक कर सकते थे, टिक कर सकते, सॉरी। तो ये हो गया, देन इसके बाद ये भी हमारा प्लूरल था, ठीक है, फोर्सेज हैं, तो ये भी आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, तो आप यहाँ पे नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पे टेस्टेड है, ठीक है, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद विल, शैल, माइट, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज आप ये सब आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होती है, तो हैव हो गया आपका प्लूरल भी है, और उसके साथ थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी, ये भी हो गया। इंगेज भी हो गया आपका, इसका वर्ड आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, तो इंगेज होना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ऑन यहाँ पे ये थर्ड सेंटेंस जो था हमारा, यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, ऑन हिज इंगेजमेंट, तो ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड होगा।
फिर ये ड्रॉप्स का मीनिंग आपको अगर पता है, इससे ड्रॉप्स होती हैं, ऑयल ड्रॉप्स हो गया, वाटर ड्रॉप्स हो गया, दूसरी चीज़ ड्रॉप्स मीन्स कहीं पे ड्रॉप करने जाना या फिर कोई चीज़ ठीक है छोड़ना वगैरह, लिफ्ट वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड है। मतलब आप सेंटेंस पढ़ के वहाँ पर मीनिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कैसे क्या होगा। स्पेल का 2-3 मीनिंग से पता था, आप स्पेल करना किसी चीज़ को, स्पेल करना या रिपीट करना कि आप कैसे उसको स्पेल कर रहे हो, तो इस तरह आइडिया करके मैंने अपने उसे कॉमन सेंस से किया था। मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। ये लास्ट वाला तो मुझे कंफर्म था, पहला वाला भी, सेकंड को लेके मैं थोड़ा डाउटफुल थी इसलिए, बट ये भी ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे ये भी दे हुआ, ये था हमारा प्लूरल, तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल वर्ड आना चाहिए था, यानी कि वेज वेज होना चाहिए था, फिर वे नहीं, तो ये तीनों दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों में से आपको देखना था। तो एलियंस यहाँ पे था, यहाँ पे भी प्लूरल होना चाहिए था, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह करके आप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सोसाइटीज़ है तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है तो यहाँ पे भी आर होना चाहिए था, ये भी आपका कम्युनिकेट नहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए था, तो ये भी हमारे रॉन्ग हो गए। तो पहला एक ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑल करेक्ट हो नहीं सकता। यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए था, आर रेपुटेशन होना चाहिए था। सम बिलीव दैट रेशनलिज्म इज प्लेन रॉन्ग, नहीं प्लेनली रॉन्ग होना चाहिए था। कैन बी नॉइजी है तो यहाँ पे क्राउडी होना चाहिए था, इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया था एरर, तो यहाँ पे एक ही करेक्ट था मुझे लगा ऐसा, ठीक है। बाकी ये सारे करेक्ट थे, इसमें कोई एरर ही नहीं थी। मी वॉज तो हो नहीं सकता, यहाँ पे आई वॉज आस्क, ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टूड ही होगा। और इट टेक्स यहाँ पे टुक तो सॉरी टुक नहीं हो सकता, यहाँ पे टेक्स यहाँ पे एस होना चाहिए था, रिक्वायर्स यहाँ पे एस होना चाहिए था, डिमांड्स होने से तक, क्योंकि किसी शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इतने उसकी ज़रूरत है उसकी वाटर की, तो यहाँ पे रिक्वायर्स अगर यहाँ पे एस होता तो इट कैन बी राइट, बट यहाँ पे यही सही था, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे कंट्री प्रॉस्पर्स होना चाहिए था, या तो क्योंकि सिंगुलर वर्ब है कंट्री, तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग है, तो इसके लिए करेक्ट तो करना ही जरूरी थी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि प्लूरल सॉरी ये आपका प्रेजेंट में है पूरा सेंटेंस, तो आपका ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि ये पास्ट में थे, तो पहला वाला हमारा राइट हो गया। फिर लास्ट लास्ट है हमारा ये भी, तो प्रियंका इज़ नॉट द बेस्ट परफॉर्म इन हर क्लास, यस्टरडे की बात हो रही तो हमारा पास्ट में था, तो सारी चीज़ें यस्टरडे यस्टरडे यस्टरडे, ठीक है, परफॉर्म वेल यस्टरडे एट द क्लब, सी परफॉर्म वेल एट द क्लब यस्टरडे, तो ऐसे ही हाँ ये ऐसे ही किया था मैंने इस सेंस से, तो उस तरह से इंग्लिश सेक्शन मैंने किया था, ठीक है, जिसमें से 3 क्वेश्चन अगर वो रॉन्ग नहीं होते सही होता, वो कन्फ्यूजिंग मुझे लग रहे थे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा वो अरेंजमेंट, ठीक है, मुझे टाइम काफ़ी लग गया, उस पर भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपने स्कोर्स वगैरह कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।